औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 1 व्हिच इज अबाउट द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, जिसका मीनिंग है माफ़ी का पैगाम। ठीक है, हम बच्चों को सबसे पहले टाइटल बताएंगे कि जैसे इस यूनिट का टाइटल है द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। हम बच्चों से पूछेंगे, बेटा जब आप ये टाइटल सुन रहे हैं तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, आपको क्या लगता है किसके अबाउट पढ़ेंगे। हम बच्चों को माइंड को तैयार करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स टू नाउ, सीखने के अल्फाज, जिसमें सबसे फर्स्ट है ट्रेट, जिसे हम कहते हैं सिफ्त उर्दू में, अ पार्टिकुलर क्वालिटी इन योर पर्सनैलिटी। ठीक है, सिफ्त क्या होती है, एक इंसान में होता है जो कि ख़ास सिफ्त होती है। ठीक है, जैसे हर पर्सन में कोई ना कोई ट्रेट होगी, ठीक है, और वो उसकी होती है। जैसे नेक्स्ट है एम्पथी, हमदर्दी, टू द अबिलिटी टू सेंस, इमेजिन एंड शेयर अदर पर्सन्स फीलिंग्स एक्सपीरियंस ईटीसी। ऐसे ही ये क्या होती है, बेसिकली एक सेंस होते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम दूसरे लोगों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, हमदर्दी। ठीक है, जिससे हमें पता चला कि ये हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है। मर्सीफुल, मेहरबान, रेडी टू फॉरगिव पीपल एंड बी काइंड टू देम। मेहरबान कैसे हो सकते हैं हम, जब हम किसी से कोई गलती हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसे फॉरगिव कर देते हैं, तो ये क्या होता है, मर्सीफुल, मतलब उस पर मेहरबानी कर देना। प्रीच, तबलीग, टू गिव अ रिलीजियस टॉक इन अ पब्लिक प्लेस। ऐसे है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की थी, ठीक है, पब्लिक के सामने, सब लोगों के सामने अल्लाह ताला की वहदानियत का क्या किया था, ऐलान किया था, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रीच तबलीग, मतलब इस्लाम को आगे तक पहुँचाना, इस्लाम की तालीमात को आगे तक तमाम लोगों तक पहुँचा देना। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं द ट्रेड सिफ, जैसे अभी हमने वर्स 2-9 में पढ़ा, ठीक है, ऑफ काइंडनेस, एहसान की, इस है अ एक नोबल आला वन, एक एहसान की सिफ्त, एक आला सिफ्त है, एनी कोई भी ह्यूमन, इंसान हो जो पोजेस रखता है एम्पथी, हमदर्दी, इन देमसेल्स, खुद में, इज है इंस्टिंक्चुअली, फितरी तौर पर, काइंड, मेहरबान, टू द पीपल, लोगों पर, एनिमल्स, जानवरों पर, एंड और थिंग्स, चीज़ों पर, अराउंड, इर्द गिर्द, देम, उसके, कि कोई भी इंसान जो अपने अंदर हमदर्दी रखता है, ठीक है, पोजेस थिम्पथी इन देम सेल्स, कि जो भी इंसान अपने अंदर हमदर्दी रखता है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों, जानवरों और चीज़ों के साथ फितरी तौर पर मेहरबान होता है। कौन सा इंसान मेहरबान होते हैं इन सब के साथ, इसमें पीपल भी हैं, एनिमल्स भी और थिंग्स भी हैं, जो कि अपने अंदर क्या रखता हो, हमदर्दी की क्या रखता हो, सिफ्त रखता हो। द एक्ट अमल ऑफ काइंडनेस, रहम दिल का, ठीक है, मेहरबानी का, मीन्स इसका मतलब है डूइंग गुड डीड्स, कि अच्छे काम किए जाएँ, फॉरगिव, माफ़ कर दिया जाए, एंड हेल्पिंग, मदद की जाए अ पर्सन, उस इंसान की, इन टाइम, उस वक्त, ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त। कहा जा रहा है मेहरबानी के अमल का मतलब है, ठीक है, द एक्ट ऑफ द काइंडनेस मीन्स कि मेहरबानी के अमल का मतलब है माफ़ करना, ठीक है, माफ़ कर देना, और सबसे पहले क्या है, अच्छे काम करना, माफ़ कर देना, और क्या करना, ज़रूरत के वक्त किसी की मदद करना, ये सब क्या कहलाता है, एक्ट ऑफ काइंडनेस। द बेस्ट वे, बेहतरीन तरीका, टू बी काइंड, मेहरबानी का, इज है टू फॉरगिव, माफ़ कर दिया जाए अ पर्सन, एक इंसान को, हो जो हैज़ रखता है हार्म्ड, नुकसान, अस, हमें। कहा जा रहा है कि मेहरबान होने का बेहतरीन तरीका ये है कि इस शख्स को माफ़ कर दिया जाए जिसने हमें नुकसान पहुँचाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैड जेंटल मैनर्स, इखलाक नरम, इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक नरम थे, ठीक है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोक सॉफ्टली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से बात करते थे, वास काइंड हार्टेड, आप नरम दिल थे, एंड और बिहेव्ड नाइसली, अच्छा बर्ताव करते थे विद के साथ, हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। इसमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के नरम थे, आप सल्लम नरमी से बात करते थे, आप नरम दिल थे, और अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेल्प, मदद करते थे, हीज़ अपने नेबर्स, जो हमसाए थे उनकी,
ट्रेवलर्स जो क्या थे, मुसाफिर थे, एंड स्ट्रेंजर्स अजनबियों की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पड़ोसियों, मुसाफरों और अजनबियों की मदद करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास लविंग, मोहब्बत करते, प्यार करते टूवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे, एंड शोड अलॉट ऑफ द रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, और बड़ों का एहतराम करते थे। इवन हता के वाइल जब डील करते विद के साथ हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के साथ, ठीक है, वास वेरी फेयर, बहुत इंसाफ, कि आप अपने दुश्मनों से निपटने के लिए के दौरान भी बहुत इंसाफ पसंद थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास ट्रस्टेड, काबिल एतमाद थे, एंड और रिस्पेक्टेड, काबिल एहतराम थे, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज ऑनेस्ट ईमानदारी नेचर, जो उनकी सिफत थी, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी की वजह से काबिल एतमाद और काबिल एहतराम थे। द एग्जाम्पल्स, मिसालें, आप हजरत मोहम्मद खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर गिविंग दरगुजर करते, एंड और मर्सीफुल, रहम दिली करते नेचर, आर न्यूमरस, बेशुमार, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगुजर और रहम दिली की मिसालें बेशुमार हैं। When जब ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम started शुरू की preaching तबलीग, the teachings, तालीमात of अल्लाह सुबहान ताला, अल्लाह ताला की, जब आपने अल्लाह ताला की तालीमात की तबलीग शुरू की, and और many people, बहुत से लोगों ने began शुरू हो गए to embrace, कबूल करना इस्लाम, the Quraysh started शुरू हो गए to feel, महसूस करना threatened, खतरा, ठीक है, और बहुत से लोग इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए तो क्रेश को ख़तरा महसूस होने लगा। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया टू मिसट्रीट, बदसलूकी द मुस्लिम्स, मुसलमानों के साथ, इन्होंने मुसलमानों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। बट लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टिल रहे, रिमेंड रहे काम पुरसकून, एंड और स्टीडफास्ट, साबित कदम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी पुरसकून और साबित कदम रहे। इंस्टेड, बजाय टू टेकिंग ले रिवेंज, बदला, फ्रॉम से हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों से, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव, माफ़ कर दिया दम इन्हें, कहा जा रहा है कि बजाय हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ़ कर दिया। सिमिलरली, इसी तरह, वैन जब ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट गए टू द सिटी, शहर ऑफ ताइफ, ताइफ की, टू प्रीच, तबलीग के लिए इस्लाम, इसी तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ शहर में इस्लाम की तबलीग के लिए गए, ही रेजिस्टेंस, इनके लोगों ने मेड फन, मजाक उड़ाया ऑफ हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वहाँ के बशिंदों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। दे थ्रू बरसाए स्टोन्स, पत्थर एट हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टिल हता के हिज फीट ब्लीड, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव से खून बहने लगा। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास अपसेट, परेशान हो गए अबाउट द इंसिडेंट, इस वाक्य के बाद, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक्य के बाद क्या हो गए, परेशान हो गए। व्हेन जब एन एंजल, एक फरिश्ता वास था सेंट, भेजा गया बाय अल्लाह सुबहान ताला, अल्लाह ताला की तरफ से, टू पनिश, या फिर सजा या फिर अजाब, ठीक है, द पीपल, लोग ऑफ ताइफ, ताइफ के, फार के लिए, देर क्रूलिटी, उनके जुल्म की वजह से, कि कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक्य से परेशान थे जब अल्लाह ताला ने ताइफ वाले लोगों को अजाब देने के लिए एक फरिश्ता भेजा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड, बताया द एंजल, या कहा द एंजल फरिश्ते को, डैट के ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड फॉर गिवन दोस पीपल, कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को माफ़ करते हैं, एंड और आल्सो ब्लेस्ड हैं, और इन पर एहसान करते हैं, क्या किया अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को माफ़ कर दिया था और इन पर एहसान भी किया। वी हम कैन लर्न दिस लेसन, कि हम इस सबक से ये सीखते हैं, फ्राम हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, टू बी काइंड, कि हम रहम दिल हों टू द पीपल, लोगों के साथ, अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द, कि इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ रहम दिल हों। वी शुड, हमें चाहिए टॉक, बात करें टू अदर्स, दूसरों से पोलाइटली, शाइस्तगी से, कि हम दूसरों से शाइस्तगी से बात करें, एंड हेल्प, मदद करें दैम, इन लोगों की, वैन जब दे आर, वो हों इन नीड, ज़रूरत में, कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए जब वो ज़रूरत, जब इनको ज़रूरत हो। इफ़ अगर द पीपल, लोग अराउंड, इर्द गिर्द, अस, हमें ट्रीट, अस, हमारे साथ सलूक करें हार्शली, सख्ती से,
वी शुड हमें चाहिए फॉरगिव देम, इन्हें माफ़ कर दें। अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग अगर हमारे साथ सख्ती से बर्ताव करते हैं तो हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। क्यों माफ़ कर देना चाहिए? क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ताइफ के लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या किए, पत्थर बरसाए, लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन सबको माफ़ कर दिया और बल्कि उनके लिए दुआ भी की। ठीक है, क्योंकि ये दिस इज़ द सुन्नत ऑफ आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, अगर कोई हमारे साथ हार्शली बोलता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान में क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज दिस यूनिट ट्राई टू टीच अस, कि ये लेसन हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है। दिस लेसन टू ट्राई टीच अस द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस, कि हमें क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ जैसा भी बर्ताव करे, अगर हमारे हार्शली करे या फिर हमें कुछ और बुला भरा कहे, तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। बिकॉज इट इज़ द सुन्नत ऑफ आवर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हमारे क्या है, इसे ये सुन्नत है। नेक्स्ट देखें, व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मर्सीफुल नेचर ऑफ हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस क्वेश्चन के इसके एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है, तो आप इसकी एक्सरसाइज को ज़रूर देखिए। इसी के साथ हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।